डीजल के 19 के माध्यम से मैं एक्साइज इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। नहीं मतलब इसके बाद मुझे पेपर किसी और देने की ज़रूरत पड़ी नहीं, आप लोगों को पढ़ाने लगा तो फिर बाकी मुझे लगा कि कभी आवश्यकता है इस चीज़ में। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं CHSL के बारे में, तो इसमें जो हमारा ऑल इंडिया रैंक है वो 114 है। मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, अपनी अचीवमेंट बतानी क्यों ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि अपने आप को प्रूव करना है, इसलिए कि कुछ बातें आपको बतानी है, आपको समझानी है, वो समझिए। इसके अलावा मैंने मतलब CDS के भी पेपर भरा था और तीन बार और तीनों बार मेरा CDS हो गया। कभी मैंने NTPC का, रेलवे का, कोई और मतलब बहुत ज़्यादा ट्राई किया नहीं, चीज़ों के पीछे भागा नहीं। बड़ा लिमिटेड मेरा कंसर्न होता था कि भाई मुझे CGL निकालना है तो CGL ही निकालना है, इसी के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन था। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या ये दिन मतलब ये जितने भी अचीवमेंट्स हैं क्या वो एक दिन में आ गए यहाँ पे, कि क्या ये सब एक ही रातों रात में हो गया कि हाँ मैं आया, पर्टिकुलर चार किताबें पढ़ी, सिलेक्शन हो गया। ऐसे नहीं होता है, आपको इस बात को समझना पड़ेगा। आप एक एग्ज़ाम तुक्के से निकाल सकते हो सके तो, वो भी मतलब लास्ट कट ऑफ करके, लेकिन अगर आपके कई सारे एग्जाम निकले हुए हैं, चाहे की बात कर लो, CHSL की बात कर लो, CPO की बात कर लो, या आप CDS की बात कर लो, ये सारे एग्जाम्स आपने निकाले, यानी इसका मतलब आपने डेफ लेवल की पढ़ाई की है।